हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मनीषा रानी व्लॉग्स। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इट वाज द फर्स्ट डे ऑफ सावन और कोइंसिडेंस देखिए कि सावन के पहले दिन ही सोमवार था, तो इस बार मैंने भी सोमवार का व्रत रखा था। तो सुबह उठते ही अपने घर के मंदिर में नहा धो के मैंने अच्छे से पूजा कर लिया था और उसके बाद पूरे घर के वातावरण को भी शुद्ध करना तो बनता है, इसके लिए मैंने अपने घर में अच्छे से घूम के धूप दीप सब जला दिया था। यूजुअली मेरे पास इतना टाइम नहीं होता तो मैं बहुत अच्छे से पूजा नहीं कर पाती हूँ, तो आज दिन बहुत शुभ था तो घर में पूजा कर ली थी। उसके बाद मैं चल पड़ी थी मंदिर और पिछले साल तो मैं एक भी दिन मंदिर भी जाके पूजा नहीं करी थी, इतना ज़्यादा मुझे टाइम का ये था, दिक्कत था। बट इस बार मैंने सोचा कि चलो सारी चीज़ें इसमें मैनेज करती हूँ तो मंदिर भी हो आते हैं। तो आ गई थी मैं अपना पूजा सामग्री लेके मंदिर में और मिल गई थी मुझे मेरे पड़ोस की आंटी लोग, जिनको ऐसा लग रहा था कि हर साल की तरह मैं इस बार भी सुबह में ही आके पूजा कर ली होंगी। बट इस बार मैं लेट थी, पहले मैं 5 बजे ही इस मंदिर में आके पूजा कर ली थी, इस बार तो मुझे 8 बज गए थे। वही मैं आंटी से बोल रही थी कि पता नहीं मैं अच्छे से पूजा कर भी पाऊँगी या नहीं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं अभी बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, वही आप 5-5:30 बजे आओगे ना तो बिल्कुल खाली होता है ये वाला मंदिर। पर मुझे भीड़ से क्या, मैं पूजा करने आई हूँ तो कैसे भी तो भोले बाबा को चढ़ाना ही था, तो मैंने सबसे पहले फल फूल और बेलपत्र चढ़ा दिए थे। देख सकते हैं भीड़ भाड़ कितना ज़्यादा था। मैंने थोड़ा सा बस शूट किया था, ऐसा नहीं कि पूजा करते हुए दिखाना था, बस ब्लॉग बनाने के लिए मैं फ़ोन लेकर गई थी। फिर मैंने जल का लोटा तैयार किया जिसमें मैंने गंगा जल दूध दही शहद और थोड़ा सा काला तिल रख के ना भोले बाबा को अर्पित कर दिया था। बहुत ही शांति और सुकून मुझे महसूस होता है जब मैं कोई फास्ट रखती हूँ। वैसे तो पिछले साल पूरे साल में ना मैंने बस एक फास्ट रखा था, वो भी दुर्गा अष्टमी का, बट इस बार सावन का पहला दिन सोमवार था तो सोमवार का व्रत रख ली हूँ। बट बहुत सारे काम होते हैं मुझे, इसलिए मैं पूरा दिन उपवास तो नहीं कर सकती, इसलिए थोड़ा बहुत खाते पीते वाला फास्ट किया था। मंदिर से आके चाय पी ली थी क्योंकि उसके बाद मुझे सेकेंड चैनल का शूट करना था। शूट करने के बाद ना मेरा गला इतना ज़्यादा सूखने लगा था क्योंकि आदत भी नहीं है फास्ट रखने का, तो फिर मैंने उसको ठीक करने के लिए ना नींबू सिकंजी बनाई, मतलब नींबू पानी चीनी ऐड करके और फिर अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था ताकि सारी चीनी पानी में अच्छे से घुल जाए। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरा नींबू सिकंजी तैयार हो चुका था, तो मैं तो पहले से ही सुबह से ही रेडी होके बैठी थी, तो मैंने बस उसको पी लिया। उसके बाद बड़ा ही सुकून आया, तो थोड़ा अपना काम वाम फिनिश करी थी। वैसे तो आज घर पर ही थी बट भूख तो कभी भी लग सकता है ना, तो इसके लिए मैंने अपने लिए फ्रूट्स कट किया, मतलब जो मैंगो भगवान जी को अर्पित किया था उसमें से कुछ प्रसाद खाया, एप्पल खाई, ड्राई फ्रूट्स खाया और हाँ मैं रसगुल्ला भी लेकर आई थी प्रसाद के लिए, तो मैंने भी उसे ग्रहण कर लिया। और सच्ची में फ्रेंड्स इसको खा के ना बड़ा ही सुकून आ रहा था। तो फिर क्या था, मैं देखते देखते सारे फ्रूट्स और इसको खा ली, लेकिन इसको खाने के बाद मैं अपना कुछ काम वाम की थी, पढ़ाई करी थी, फिर मुझे याद आया कि रात को भी थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए बनाना होगा, तो मैंने सबसे पहले साबूदाना को लिया, उसको धोने के बाद थोड़ी देर सोक किया था, दूध बॉयल किया, उसमें ऐड कर दिया साबूदाना। पर मुझे अपना प्लेन साबूदाना खाने का दिल नहीं करता, इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। इसके लिए मैंने कस्टर्ड वाला साबूदाना बनाया, थोड़ा सा गुनगुना दूध में कस्टर्ड पाउडर ऐड किया और उसको मैंने जो बॉयल हो रहा था साबूदाना उसमें ऐड कर दिया और इसको बना के ना ढक के मैंने छोड़ दिया था। और शाम तक ये देखिए साबूदाना फूल के कितना मस्त बड़ा बड़ा रेडी हो गया था। देखिए इसका प्रॉपर रेसिपी ना अलग से मेरे चैनल पे आ जाएगा, तो आप शॉर्ट्स ज़रूर वॉच करना। शाम को चाय बना के पी थी और रात को कुछ नहीं, बस जो साबूदाना बनाया था उसको खा ली थी डिनर में। और मेरा फास्ट ये पहले जैसे फास्ट करती थी वैसा नहीं था, थोड़ा बिजी शेड्यूल है तो थोड़ा ज़्यादा खा पी लेती हूँ, पहले मैं डायरेक्टली शाम को ही खाती थी, बट कोई नहीं चलता है। कैसी लगे आपको ब्लॉग कमेंट करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना।